हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक नया कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है बीपीएल राशन कार्ड की तरह ही सारे के सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कार्ड के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, कौन सा वो कार्ड है और आपको जो है किस तरह से इस कार्ड को ऑनलाइन बनाना है, उसका प्रोसेस आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा सभी के बीओसी कार्ड बनाए जा रहे हैं, मतलब जो बीओसी वर्कर कार्ड होता है उसके अंतर्गत अगर आप जो है अपना बीओसी कार्ड बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी सारे बेनिफिट बीपीएल राशन कार्ड के अंतर्गत दिए जाते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट आपको जो है बीओसी कार्ड, जो बीओसीडब्ल्यू कार्ड होता है उसके अंतर्गत भी आपको जो है दिए जाते हैं। मतलब बीपीएल राशन कार्ड में आपको जितनी सारी फैसिलिटी दी जाती है, जितनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, वो सारी की सारी सुविधाएं आप जो है बीओसी कार्ड के अंतर्गत भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बना हुआ है या आपका आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बन रहा है, तो अगर आपका बीओसी कार्ड बन जाता है तो बीओसी कार्ड के थ्रू फिर आप जो है आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना सकते हैं। इस पर जो है मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में चला दूंगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बीओसी कार्ड आखिर बनता कैसे है। तो बीओसी कार्ड बनाने के लिए आपको जो है एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वाले पेज पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। अभी दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप जो है नया अप्लाई कर रहे हैं या नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जो है यहां पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों, यहां पर आपके सामने आधार सत्यापन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपको जो है आधार सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि यहां पर आप जो है अपना आधार कार्ड इंटर करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है। यहां पर आप जो है एप्लीकेंट का नाम इंटर करेंगे, उसके बाद आप जो है ऑथेंटिकेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर जो भी आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहां पर इंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है श्रमिक निबंधन का जो फॉर्म है, जो वर्कर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट का नाम, तो ये आपका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लिया गया है, ठीक है ना। किस डेट में आप जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं वो डेट आपकी यहां पर ले ली गई है ऑटोमेटिकली। यहां पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, उसके बाद यहां पर आपको जो भी आपका क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है ना, जैसे कि आपका शहरी क्षेत्र है तो आप यहां पर अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो आप यहां पर रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप जो है अपनी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर निगम को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है। उसके बाद यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है, यहां पर आपको जो भी आपका वार्ड है आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको अपना एक फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है ना। फोटो अपलोड करने के लिए आप सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी अपने मोबाइल में आपने फोटो रखा है फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फोटो का जो साइज है 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा अगर फोटो का साइज रहेगा तो फोटो आप जो है यहां पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको जो अपना करंट एड्रेस इंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप जो है इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे तो ऊपर जो भी एड्रेस आपने फिलअप किया था वो यहां पर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको फादर नेम इंटर कर देना है या हस्बैंड नेम, जो भी है आप यहां पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका जो आधार कार्ड का संख्या है वो आपको यहां पर बताया जाएगा। यहां पर आपको जो है कार्य की प्रकृति को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप कौन सा काम करते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आप जो है किस तरह के वर्कर हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब आपके सामने यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना होगा। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आप जो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड है, ठीक है ना, उसको आप अपलोड करेंगे। उसका भी साइज आप ध्यान रखेंगे 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कास्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी कास्ट है, जनरल है या OBC है, ST है, SC है, जो भी आपका कास्ट आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप जो एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास में कोई अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपका जो कर्मचारी राज्य बीमा संख्या अगर आपका है तो यहाँ पर आप डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने जो है कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट
कर सकते हैं जो भी आपका कैटेगरी है। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है आपका विवाह हुआ है नहीं हुआ है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जो है वर्कर कार्ड बनाना है या बीओसी कार्ड बनाना है तो इसके लिए आपको जो है पिछले 12 महीने में आपने जो है क्या काम किया था उसका यहाँ पर आपको एंट्री करना होगा, ठीक है ना। जिसमें कि आपने किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम किया था, एम्प्लॉयर का नाम क्या है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस क्या है एम्प्लॉयर का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ वर्क, आपके काम की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। नेचर ऑफ प्रकृति मतलब आपका जो काम है किस प्रकार का था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जो भी आपका कैटेगरी था आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है कि पिछले कितने टाइम से आप जो है ये काम करते आ रहे हैं, ठीक है ना, कब तक आप जो है काम करते आ रहे हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कब से कब तक आपने जो काम किया था आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है टोटल अवधि, कम से कम आप जो है साल भर में आपने जो है 90 दिन से ज्यादा काम किया होना चाहिए, ठीक है ना, इस वाले कार्ड को बनाने के लिए। यहां पर आपका जो भी जॉब कार्ड वगैरह है जिसमें कि आपने काम किया है जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में, उसका सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा सर्टिफिकेट जो अपलोड आपने यहां पर किया है किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहां पर आप जो है सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया है, एम्प्लॉयर के द्वारा बनवाया है, ठीक है ना, या जो LEO है उसके द्वारा बनाया है, LS के द्वारा बनाया है या PRS के द्वारा बनाया है। तो आप यहां पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जिस किसी भी व्यक्ति से आप जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उससे उसका औहदा आप जो है जरूर से पूछ लीजिए, जिससे कि आपको यहां पर सिलेक्शन करने में ईजी रहेगा। और यहाँ पर और भी किसी कंपनी के साथ में आपने काम किया है तो आप जो है ऐड मोर वाले बटन पर क्लिक करके अपने काम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने काम की डिक्लेरेशन देनी रहेगी, तो यहाँ पर आप इस टर्म को चेकमार्क करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है जहाँ पर कि आपको अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आप जो है सिंपली IFSC कोड को एंटर करेंगे, गेट बैंक इन्फॉर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट बैंक में आपकी बैंक का नाम आ जाएगा। तो बैंक का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बैंक का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप जो है अपनी बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है अपने अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आपको जो है पासबुक का जो फोटो होता है, फ्रंट फोटो होता है जिसपे कि आपके अकाउंट डिटेल लिखी होती है, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या पूर्व में आपने जो है किसी कल्याण बोर्ड के साथ में काम किया है, यस नो आप जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास में राशन कार्ड उपलब्ध है, नहीं है, हाँ है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर है तो आपको राशन कार्ड की फोटो को भी यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिससे कि आपका जो बीओसी कार्ड है उसको बनाने में आसानी हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो फैमिली विवरण है वो आपको देना रहेगा, जिसमें कि यहाँ पर सदस्य का नाम लिखना है, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर जो है अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम एंटर करेगा, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर आपको जो एड्रेस को फिलअप कर देना है, मेंबर का आपसे रिलेशन क्या है वो आपको बता देना है। जैसे कि आप यहाँ पर पत्नी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है वाइफ को, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की अगर आप डिटेल देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें कि मान लीजिए आपका जो है काम के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो इसमें जो मिलने वाला फंड होता है या जो बीमा राशि होती है वो नॉमिनी को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, या जितने भी सारे बीओसी कार्ड के बेनिफिट है वो आपके जो नॉमिनी है उसको प्रोवाइड किए जा सके। इसलिए आपको जो है नॉमिनी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आपको नॉमिनी का नेम आपको यहाँ पर बता देना है, नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट के साथ में वो आपको बता देना है, उम्र क्या है वो आपको बता देना है, परिवार के सभी सदस्यों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर टिकआउट कर लेना है, ठीक है ना। कितने अमाउंट का नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 50%, 100% या एक से ज्यादा नॉमिनी को आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप जो है ऐड कर सकते हैं। एक से ज्यादा नॉमिनी को अगर अभी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड मोर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जो एक ही व्यक्ति को बनाना चाहते हैं तो आप एक ही व्यक्ति को जो है 100% यहाँ पर सियोरिटी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन को एग्री करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप CSC मेंबर है, अगर आप CSC मेंबर नहीं है, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नो वाले बटन पे टिक आउट करना है एंड फॉर्म को यहाँ से कर देना है सबमिट। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उस इन्फॉर्मेशन को जो है चेकआउट किया जाएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही पाई जाती है तो फिर आपका जो बीओसी कार्ड है उसको बना दिया जाएगा। यहीं पर आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा पंजीकरण की स्थिति देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जिससे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ पर आपको जो भी आप जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, शो वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है आपके कार्ड का स्टेटस बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका कार्ड बन जाता है तो फिर आप जो है अपने कार्ड को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और किसी कारणवश आपका कार्ड यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आप जो है उसको रीअप्लाई भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बीओसी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।